अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप हब प्रो। तो जनाब, आज की वीडियो एक और हाई एंड ब्रांड फाउंडेशन के रिव्यू की वीडियो है। मैंने आप तो आज मैं जिस ब्रांड के फाउंडेशन की रिव्यू स्टार्ट करने जा रही हूँ वो बहुत वेल नोन, बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी, इंडियंस और जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इस ब्रांड को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जनाब, मैं और किसी की नहीं, मेबेलिन की बात कर रही हूँ। मेरे पास उनकी ये दो फाउंडेशंस हैं, मेबेलिन की सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, और दूसरी मेरे पास उनकी मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन है, मैट पोरलेस, ठीक है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब इस फाउंडेशंस का साथ साथ हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा फेमस फाउंडेशन है और तकरीबन आधी आवाम इसको यूज़ कर रही है। तो मैंने कहा चलो मैं दोनों को बाय करके इसको यूज़ करके देखती हूँ कि इसके रिजल्ट्स किस तरह से हैं। तो डेली बेसिस के लिए कौन सी फाउंडेशन अच्छी है और फुल कवरेज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जनाब, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन है, ठीक है, जिसपे उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। इसमें जो मेरा शेड है वो 110 पोर्सलीन है। ये ट्यूब फॉर्म में है, आप देख रहे हो ट्यूब फॉर्म में है। ब्लैक कलर का इसका लिड है, बैक पे इसका शेड मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन जो है, और ऑयली स्किन वाले, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले वो इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद मेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में मैन्युफैक्चर हुआ है, यहाँ पे बारकोड लिखा हुआ है। 30 ml का प्रोडक्ट इसमें हमें जो है वो मिलता है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 12 month है, यानी कि एक साल आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जनाब। तो जनाब, ये जो फाउंडेशन है हम इसका ज़रा स्वाच कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पर करते हैं। चलो जी, 110 पोर्सलीन शेड है, ठीक है इसका हम लोग। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं है, रनी है, वाटरी है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो थिक कंसिस्टेंसी वाली होती है उसके अंदर से स्किन नज़र नहीं आती। ये इसका कलर है, ये देखें 110 पोर्सलीन। कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो वाटरी है, थिक नहीं है। ये जी बिल्डेबल है, लाइट टू मीडियम कवरेज देता है आपको, फुल कवरेज नहीं देता, मतलब जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा बिल्ड करोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है इसकी कवरेज मिलेगी। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करो तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ख़राब है, मुझे तो इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत हार्श फ्रेग्रेंस है। तो जिन गर्ल्स को फ्रेग्रेंस का इशू है वो तो शायद ये यूज़ भी ना करें। लेकिन ये फाउंडेशन फेस पे लगने के बाद जो है जनाब मैट हो जाती है और बहुत खूबसूरत सा जो है वो इफ़ेक्ट देती है। मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करती हूँ, ये देखें, बहुत आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ ये ब्लेंड हो जाती है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो वेट किया हुआ है, ये देखें, और अगर ब्यूटी ब्लेंडर का पूछे तो मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर है, मुझे इससे अच्छा अभी तक कोई ब्यूटी ब्लेंडर लगा ही नहीं है। ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड हो गया, और ये लगने के बाद आपको बिल्कुल भी जो है वो कोई ग्रीसी वगैरह नहीं देता। नॉर्मल टू ऑयली स्किन उन्होंने बताया था, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के, लेकिन मैट स्किन जिनकी जो स्किन है वो मैट है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी स्किन भी बहुत अच्छे तरीके से ये बैठती है। मेरे पर तो बड़ी सूट की है, लाइट टू मीडियम कवरेज है इसकी। अच्छा जनाब, उसके बाद हम बात करते हैं इस फाउंडेशन की, और इस फाउंडेशन को कौन नहीं जानता, इसको ब्राइडल फाउंडेशन भी कहते हैं। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, इतनी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, और जनाब इसमें जो मेरा शेड है वो है 10 Ivory, इसमें मेरा शेड 10 Ivory है। ये ग्लास बॉटल में है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है ओपन होने के बाद वो 12 month है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है इसके,
आप लोग देख सकते हो अगर फोकस हो जाए तो। तो अब हम इसको ज़रा ओपन करके इसकी भी शेड और कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा मैं बिल्कुल लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है। ये इतना सही जो है ना आपके पूरे फेस पे, मेरे फेस पे तो इतना सही चल जाता है। ये देखें ये शेड है जो कि मेरी स्किन पे थोड़ा डार्क है, लेकिन कोई नहीं, मिक्स एंड मैच करके आप इसको एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, ये देखें ये इसका शेड है 10 आइवरी। पता नहीं क्यों ये यहाँ पे जो है ना कैम में थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन ये थोड़ा सा ना पीच अंडरटोन है, ये जो शेड है पीच अंडरटोन है। और आप देख सकते हो कि कितनी ये फुल कवरेज है, मेरी स्किन नज़र नहीं आ रही अंदर से, बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन है। अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं और ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ ब्लेंड हो जाता है। ये देखें ये आराम से मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया। आप चेक करो दोनों फाउंडेशन जो हैं वो ब्लेंड हो गई हैं और ये आपको बिल्कुल मैट फिनिश देगी। ये जो फाउंडेशन है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है क्योंकि ये चेहरे पे लगने के बाद आपको बिल्कुल मैट फिनिश देती है, कोई हल्का सारा भी डू इफेक्ट नहीं देती। अच्छा, ये लगने के बाद भी आपको जो है वो मैट फिनिश देती है, ये भी डू इफेक्ट नहीं देती, ये दोनों आपको मैट फिनिश देती हैं। ठीक है जनाब, ये मैट फिनिश देती है और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, जबकि जो ये फाउंडेशन है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि शादियों के लिए या जो टू बी ब्राइड्स हैं, दुल्हने बनने वाली हैं जिनकी शादी हुई है, तो वो ये फाउंडेशन अपने बैग में लेके रख लें, उनके पास जो है ये फाउंडेशन मस्ट होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी आपको जहाँ से मैंने बाय किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आप वैसे जाके ख़रीदना चाहते हैं तो वैसे भी ले लें, वैसे वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने तो ये ऑनलाइन ही बाय किए हैं क्योंकि कोविड की वजह से हर चीज़ बंद है। अच्छा जनाब, ये है लाइट टू मीडियम कवरेज और ये फुल कवरेज है ये, और ये जो फाउंडेशन है ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हो, बड़ा खूबसूरत सा नेचुरल सा लाइट सा आपको जो है ना वो इफ़ेक्ट आपके फेस पे देती है, बिल्कुल भी ऐसे केकी और ग्रीसी नहीं लगती है। मुझे लाइट वेट फाउंडेशन, लाइट कवरेज वाली वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन और ये लाइट वाली फाउंडेशन होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसकी स्टेइंग पावर क्या है। तो जनाब ये भी आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे करती है, अगर आप इसको वेयर करो तो आपके चेहरे पे तकरीबन जो है वो, मेरे फेस पे पता नहीं क्या बात है, मेरे फेस पे हर फाउंडेशन जो है ना वो तकरीबन अच्छी फाउंडेशन जो है वो 7-8 घंटे इजीली जो है ना निकाल जाती है। तो मेरे चेहरे पे ये तकरीबन 7-8 घंटे इजीली निकाल जाती है और ये फाउंडेशन तो आप कुछ ना पूछो, ये फाउंडेशन तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि मैंने इसको पानी से भी वॉश किया लेकिन जनाब ये तो करने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी हम इसका वाटर टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो जी, ये है, इस पे मैंने किया था मेबलिन सुपर स्टे और ये है मेबलिन फिट मी। आप लोग देख लो मैं ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, देख लो आप लोग। अच्छा जी, बात करें इस फाउंडेशन की, तो जनाब ये जो फाउंडेशन है ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। जब तक आपने किसी अच्छे जो है वो मेकअप रिमूवर से इसको साफ़ नहीं करना, ये साबुन से भी नहीं उतरेगी, ये पानी से भी नहीं उतरेगी, इतनी जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। शादी के बाद दावतें या कुछ इवेंट्स के लिए, शादी वगैरह के फंक्शंस के लिए, हमें चूँकि फंक्शंस काफ़ी टाइम चलते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है। ठीक है जनाब, और ये वाली फाउंडेशन अगर वाटरप्रूफ की बात करूँ तो जनाब ये फाउंडेशन जो है ये भी वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। ये भी मतलब अगर आप को पसीना आ रहा है तो ये उतरेगी नहीं और पानी से भी नहीं उतरेगी। हाँ, आपको साबुन, अच्छा सा सोप यूज़ करना पड़ेगा तो फिर ये आपके चेहरे से जो है ना वो उतर जाएगी। ठीक है, तो ये दो जी फाउंडेशंस, अब बारी सवाल आता है कि मैंने ये दोनों फाउंडेशंस बाय कहाँ से की हैं। तो मैंने ये दोनों फाउंडेशंस जो हैं वो बाय की हैं vegas.pk से। ठीक है, और इसकी जो वहाँ पे ना मेबलिन की आए दिन सेल चल रही होती हैं, कभी किसी हर, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वेगास को कौन नहीं जानता, तो उनकी सेल चल रही होती हैं आए दिन।
कभी 20%, 25%, तो आप कोशिश किया करें कि सेल पे जाके लें। मैंने जब परचेज़ की थी तब अनफॉर्चुनेटली सेल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे रिव्यू करना था इसीलिए मैंने जो है ना ये फाउंडेशन बाय की। इसकी प्राइस जो है वो 1600 रुपीज़ है, 1600 की ये फाउंडेशन है, और इसकी प्राइस जो है वो 2400 रुपये है। लेकिन मैंने एक और पेज देखा था, उस पर इसकी प्राइस 1500 थी और इसकी 2200 थी। आई थिंक कॉस्मेटिक प्लानट था कि पता नहीं कौन सा, खैर मैं वो ना चेक करके ना तो उसका लिंक मेंशन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैंने ये वैसे विगास से इसलिए बाय की क्योंकि विगास वालों के पास प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। तो आप चाहो तो सेल पे, वैसे मैं तो यही आपको बोलूँगी कि आप इसको जो है ना वो सेल पे ख़रीदें, आपको जो है ना वो ज़रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी फाउंडेशन हैं, रिकमेंड करूँगी ये तो, सुपर लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि उन्होंने जो क्लेम किया हो ना कि 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन, ये 100% सच है। जबकि जो ये फाउंडेशन है ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होती, मेरे चेहरे पे तो नहीं हुई थी ऑक्सीडाइज़, मेरे चेहरे पे जैसी थी एज़ इट इज़ ही रही थी। अगर हुई भी होगी तो 19-20 का ही होगा, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ ऑक्सीडाइज़ हुआ, मेरा चेहरा वैसे का वैसा ही लग रहा था। लेकिन ये मेरे स्किन पे ऑक्सीडाइज़ हुई थी, थोड़ी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ होती है। तो इसलिए आप लोग एक दो टोन जो है वो लाइट लें, मेरा ये डार्क थोड़ा सा शेड है, ये बिल्कुल ठीक है मेरी स्किन पर। तो आज का रिव्यू जनाब इतना ही था, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे बहुत सारा आपका सपोर्ट चाहिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।